सर फिल्म में कुछ खाने पीने की बात है? बहुत ज़्यादा बहुत। और इमेजिन एक वेजिटेरियन गुजरात की लड़की पाकिस्तान में और वेजिटेरियन खाना, तो खाने की बहुत बातें हैं और खूब मज़ेदार और चटपटा खाना है। मिला था आपको खाना वहाँ? हाँ हाँ, मतलब मैं फिर वहाँ जाके तो पाकिस्तान में जाके तो क्या ये लड़की जो पूरी दबंग हो जाती है, तो खाना बनवाया उनके लिए वेज स्पेशली मंगवाया। ढोकला वोकला बनवाया कि नहीं? हाँ वो उतना हम पार्ट टू जब बनाएंगे तो उसमें ढोकला खांडवी पात्रा सब पाकिस्तान पहुँचाएंगे हम। अब खाने की बात निकली है तो हम भी आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर खाने पीने की बात नहीं, खाना पीना बन रहा है, और वो भी एक कलाकार हैं जो अपना हुनर दिखा रही हैं। सभी की प्यारी गहना थी और अब आई एम स्नेहा योर, और आज मैं आई हूँ नवरात्र के इस शुभ पावन पे महाराजा भोग्स, क्योंकि हमारे हमारे देश की सबसे खासियत है कि जब भी फेस्टिवल होता है तो भगवान को 56 भोग और बहुत सारी वैरायटीज़ के खाने उनको पेश किए जाते हैं। किचन में और अब मैं यहाँ पे सीखने वाली हूँ थोड़ा बहुत डिलीशियस खाना जो सीक्रेट है महाराजा भोग्स का, और खुद बनाऊँगी भी। तो यहाँ के जो शेफ़ है उनसे ही पूछते हैं कि वो कैसे रोज़ इतना यमी खाना बना सकते हैं यार, मतलब क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो आलू का उपवास का सूखा भाजी बना रहे हैं, तो ओके चलो सीखते हैं, मेरे को भी काम आएगा यार आगे उपवास में। उपवास की आलू की सब्ज़ी रेडी है, तो अब दिखने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी पे। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है साबूदाना खिचड़ी, जो मेरी बहुत फेवरेट है और मोस्टली उपवास में हम वही खाते हैं। तो मैंने अब गरम तेल में ज़ीरा डाल दिया है और अब मैं डालूँगी लाल मिर्च, हरी मिर्च। साबूदाने की खिचड़ी रेडी है और आज एक्चुअली मैंने ना कुछ डिफरेंट वेराइटी, मतलब डिफरेंट तरीका देखा है खिचड़ी बनाने का, तो आई विल ट्राई घर पे जाके ये। दिख रही है पर इतनी गोल नहीं है, तो मेरे को पहले ही पता था कि मुझसे ये गोल पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैंने इसका जुगाड़ पहले ही छुपा के रखा था। ये है स्नेहा जैन गोल 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 पूरी। तो हमने पूरियां बना ली है, देखो मुझसे जितना हो सका चीटिंग करके एटलीस्ट एक पूरी तो मैंने बनाई है गोल, और बाकी शेफ ने बना ली है, तो अब हम करेंगे इसको फ्राई। अब हम ये खाना खाएंगे जो मैंने शेफ़ की मदद से बनाया है,
तो लेट्स सी कितना अच्छा होगा, क्योंकि शेफ तो थे ही हेल्प करने के लिए, बट आई थिंक ये टेस्टी तो होगा क्योंकि दिख भी इतना यम्मी है, यम्मी रहा है, तो लेट्स ट्राई इट एंड खाते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अगर जिसका उपवास है तो रोज़ ऐसा यम्मी खाना बनाओ और खाओ, और दूसरों को भी खिलाओ, जो नहीं रखते उनको भी खिलाओ, और जाके ढेर सारा गरबा खेलो और माता रानी की सेवा करो। ABP News आपको रखे आगे।